प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि भारत उनके साथ नहीं है। उनका कहना है कि नागरिकता संशोधन लागू होगा और ममता बनर्जी इसे रोक नहीं पाएंगी। उनका ये भी कहना है कि आप INDIA गठबंधन में हैं, लेकिन भारत आपके साथ नहीं है, भारत प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। उन्होंने कहा कि CAA लागू होगा और ममता बनर्जी इसे रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि मोदी सरकार ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वादा किया था कि वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे, जिसे पूरा किया गया है। ठीक वैसे ही BJP CAA लागू करने के वादे को पूरा करेगी। बंगाल के लोग आपके भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं और आने वाले समय में आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। 2014 से उनकी कोशिश जारी है। अभी 14 हो गया, 19 हो गया, दो बार जनता से थप्पड़ खा के, तमाशा खा के, गाल लाल करके चली आई है, तीसरी बार तमाचा मिलने वाला है। और जितना भी कोशिश करे, मोदी जी के पास तो 6 महीना है, आपके पास 6 हफ्ता है क्या? आपका परिवार के कोई सदस्य इस 6 हफ्ते में घुस गया तो क्या होगा अंदर? वो भी ध्यान रखिए। और आप जितना भी INDIA जो हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म गदर 2 की शानदार सफलता के बीच भारतीय अभिनेता सनी देओल आज लंदन के लीस्टर स्क्वायर में व्यू सिनेमा में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए। विशेष स्क्रीनिंग के लिए सनी देओल का स्वागत ढोल की थाप के साथ किया गया। वो ढोल की थाप पर थिरकते भी नजर आए। लंदन में ANI से बात करते हुए सनी देओल ने कहा, गदर एक ऐसी फिल्म थी जो हमने 2 दशक पहले बनाई थी और उस समय भी ये एक ऐसी फिल्म थी जो लोगों से जुड़ी थी और लोगों ने इसे गदर बना दिया और ये हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक बन गई। और मैं इसका दूसरा भाग करने को लेकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि ये एक तरह से पूरी फिल्म थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम दूसरी फिल्म के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोविड के समय निर्देशक अनिल शर्मा और लेखक शक्तिमान इस विचार के साथ आए और अचानक इसने हम सभी को प्रभावित किया। उनका कहना है कि मैंने अभी तक इस बारे में योजना नहीं बनाई है कि मैं क्या करूंगा। उम्मीद है मैं अगला कदम उठाऊंगा, क्योंकि मैं वास्तव में उस पल को संजोना चाहता हूं और मैं अपना कदम ठीक से उठाना चाहता हूं। I think it was a waiting around the corner for things something to happen because we had to stop doing Hindi cinema basically. And obviously Gadar was a film which we had done 2 decades back, and that time also it was a film which connected with the people and people made it a Gadar. And it became one of the highest watched films in our history. And I was too scared about doing another part of it because that was kind of a complete film. And I didn't see how we can go ahead with another film. But fortunately, during the COVID time, when we were all kind of idle, sitting around, not knowing what to do, is a time when the director, Anil Sharma, and the writer, Shaktiman, came with this idea. And suddenly it clicked all of us. And we said, okay, let's go develop it. And here we दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल दिल्ली के उस अस्पताल में धरने पर बैठी है जहां नाबालिग लड़की को भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, वे ना तो मुझे लड़की से मिलने दे रहे हैं और ना ही उसकी मां से मिलने दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली पुलिस मुझसे क्या छुपाना चाहती है। मुझे बताया गया है कि NCPCR अध्यक्ष को लड़की की मां से मिलने की अनुमति दी गई थी। जब NCPCR अध्यक्ष लड़की की मां को मिलने दे रहे हैं तो DCW प्रमुख को इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है? आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निर्देशक प्रेमोदय खाका के किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल व दिल्ली पुलिस में टकराव हुआ। आयोग व दिल्ली पुलिस ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। आयोग ने FIR दर्ज होने के 8 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए उसे नोटिस जारी किया। वहीं पुलिस ने स्वाति मालीवाल को अस्पताल में भर्ती किशोरी से नहीं मिलने दिया। इसके विरोध में उन्होंने अस्पताल में धरना देना शुरू किया, जो रात भर जारी रहा। अभी भी मालीवाल धरने पर है।
मैं सुबह 11 बजे यहाँ आई थी, 12 घंटे होने वाले हैं और अभी तक दिल्ली पुलिस ने मेरे को सर्वाइवर और उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया। जो दिल्ली पुलिस ने पिछले 8 दिन में उस आदमी को और उसकी वाइफ को अरेस्ट नहीं करा था, पता नहीं किस दबाव में अरेस्ट नहीं करा था, वही दिल्ली पुलिस आज मुझे लड़की से मिलने नहीं दे रही। तो मेरे मन में बहुत सवाल उठते हैं और ये भी सवाल उठता है कि NCPCR को अलाउ कर दिया जाता है और दिल्ली महिला आयोग को नहीं अलाउ किया जाता। 8 महीने की बच्ची का साथ जब रेप हुआ था तब दिल्ली महिला आयोग ने 3 ऑपरेशन कराए थे, 1 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, इस तरीके के जो केसेस आते हैं दिल्ली महिला आयोग एक्शन लेता है। अब मैं यहाँ बैठी हूँ सुबह से और दिल्ली पुलिस मुझे अलाउ नहीं कर रही। कौन होते हैं ये अलाउ नहीं करने वाले? क्यों दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पर उतर कर आ रही है? तो जब तक दिल्ली पुलिस मुझे अलाउ नहीं करेगी लड़की से मिलने के लिए या लड़की के परिवार में किसी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने दिल्ली सरकार के आधिकारिक बलात्कार मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। ANI से बात करते हुए शमा मोहम्मद ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है क्योंकि आरोपी वो व्यक्ति है जिस पर पीड़ित उस समय भरोसा किया था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। आरोपी महिला एवं बाल मामलों के मंत्रालय का हिस्सा था। बच्ची गर्भवती हुई तो आरोपी की पत्नी ने गर्भपात में मदद की। आतिशी से पहले दिल्ली सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं थी। एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जो हमेशा दूसरे राज्यों में जाते हैं और कहते हैं मैं महिलाओं के लिए काम करने जा रहा हूं, उन्हें आज आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे महीनों से हो रहा है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। This is a very, very shocking incident because one, it is a person they trusted. When her father died, he was given the trust and she was staying at their house. Number two, he's part of the Women and Child Affairs Ministry. Let's understand that. Number three, what I heard is the wife also, when the child got pregnant, she helped him to abort the child. You know, that is very shocking because there's a trust factor. And these are the sort of people which work in the Delhi Ministry. त्रिपुरा पुलिस ने 10 करोड़ रुपए मूल्य की 1.3 केजी हेरोइन जब्त की और इस संबंध में 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तरी त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक भानुपाद चक्रवर्ती ने कहा कि साबुन के कई डिब्बों में मौजूद मादक पदार्थ टाटा सुमो वाहन में ले जाया जा रहा था जो दक्षिण असम से आ रहा था। चक्रवर्ती ने INS को बताया, गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमने उत्तरी त्रिपुरा जिले के चुराईबारी में एक चौकी बनाई और वाहन को रोका। 3 ड्रग तस्कर ड्रग्स के साथ वाहन में यात्रा कर रहे थे जिनमें अब्दुल अली, सुमन कृष्णदास और प्रसन्नजीत दास को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है जिसको आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस अब हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने ड्रग्स पकड़ने में सफलता के लिए पुलिस की सराहना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार देर रात वे ले मार्केट पहुंचे, यहां उन्होंने फल सब्जी की दुकान पर खरीदारी की। न्यूज एजेंसी ANI ने राहुल का वीडियो शेयर किया। वीडियो में वो भीड़ से घिरे दिख रहे हैं। उन्होंने सामान खरीदा, कुछ देर बाद वे सब्जी की दुकान पर पहुंचे और वहां से सब्जी खरीदी। राहुल के ले मार्केट पहुंचते ही युवाओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। भीड़ से एक बच्चा उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए सुरक्षा घेर पार कर पहुंच गया। उन्होंने बच्चे को ऑटोग्राफ दिया और साथ में फोटो खिंचवाई। सोमवार को वे पेंगोंग सो लेक से बाइक राइड कर 264 किलोमीटर दूर खारदुंगला पहुंचे। यहां स्थानीय लोग से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राहुल 2 दिन 17 से 18 अगस्त के दौरे पर लद्दाख गए थे, लेकिन 18 अगस्त को उनका दौरा 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन दिनों जेलर के लिए तारीफें बटोर रहे रजनीकांत ट्रोलिंग का भी सामना कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में रजनीकांत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान रजनीकांत ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे। जैसे ही ये पिक्चर सोशल मीडिया पर सामने आई तभी से रजनीकांत ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए।
दरअसल रजनीकांत की उम्र योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पैर छूना उनके फैंस को नहीं भाया। लगातार ट्रोलिंग का सामना कर रहे रजनीकांत ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और योगी आदित्यनाथ के पैर छूने की वजह का खुलासा किया है। एक्टर ने ANI से बात करते हुए बताया कि योगियों या सन्यासियों के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना मेरी आदत है, भले ही वो मुझसे छोटे हों। சன்னியாசி ஆகட்டும் இல்லை ஒரு யோகி ஆகட்டும், அவங்க வந்து வயசுல நம்ம விட சின்னவா இருந்தா கூட அவர் காலில் விழுறது என்னுடைய பழக்கம், நான் அதான் செஞ்சிருக்கேன். அண்ணா அண்ணா அடுத்த படத்தை சொல்லிட்டு கிளம்புங்க. எனக்கு தெரியலங்க அப்படி ரொம்ப அடுத்த படம் விரைவில் அதை மட்டும் சொல்லிடுங்க. ஒரு நிமிஷம் 30 நிமிஷம் जम्मू में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। सोमवार देर रात जम्मू के नगरोटा में IED बॉम्ब मिला जिसे नष्ट कर दिया गया है। ये जानकारी SP राहुल चरक ने दी है। उन्होंने बताया कि हमें हाईवे के पास एक संदिग्ध सामान पड़े होने की सूचना मिली। बॉम्ब निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जांच में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस निकला जिसे टीम ने नष्ट कर दिया है। आगे की जांच जारी है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को बारामूला जिले में एक लावा रिस बैग मिला था, इसमें IED बॉम्ब निकला था जिसे सेना ने नष्ट कर दिया था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में बालाकोटे गाँव के पास सोमवार को LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सेना ने मार गिराया। रक्षा विभाग के PRO ने इसकी जानकारी दी। विभाग के मुताबिक खुफिया एजेंसियों और पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी LOC पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। एक जनरल सूचना आई थी कि भाई कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, वो कहीं हाईवे पे लाइक कर रहा है। हमने उसको सीरियसली लिया, जस्ट बिकॉज की कोई चीज जनरल सूचना आती है तो हम उसको सीरियसली लेते हैं। तो उसी दौर पे हमने जब यहाँ सर्च की तो हमें यहाँ पे एक कोई चीज सस्पिशियस फाइंड हुई है। BDS स्क्वाड को बुलाया गया, उसने कहा कि ये सस्पिशियस ID है, तो उसी को कंट्रोल्ड डिस्ट्रिक्शन कराई गई, वो हाईवे थ्रू हो गया। अच्छा, तो कोई ID था इसमें? जी हाँ, ID था, तो ये ब्लास्ट हुआ आपके सामने। आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लवॉल को लेकर अभिनेता KK मेनन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि आप कोई सीन नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच देख रहे हैं। अभिनेता अपनी फिल्म के बारे में प्रचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे। KK मेनन के साथ निर्देशक सुधांशु शर्मा भी थे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए KK मेनन ने कहा कि ये एक पिता पुत्र और एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। कहानी बैडमिंटन पर केंद्रित है जिसे बहुत विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म के कलाकार वास्तविक खिलाड़ी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए KK मेनन ने इसे वास्तविक स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है और पिता पुत्र के रिश्ते की कहानी बताती है। बैडमिंटन इस फिल्म का केंद्र बिंदु है। फिल्म में बैडमिंटन को बहुत प्रामाणिकता से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, पिता और पुत्र के बीच में संबंध उसके बारे में है। और मेन बात यह है कि बैडमिंटन इसका सेंटर स्टेज है और इस फिल्म में आपको ऑथेंटिक बैडमिंटन, इनफैक्ट सुधांशु उस पर एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से हमने किया है वो बैडमिंटन जो है बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से पेश किया गया।